वेलकम फ्रेंड्स टू डिवाइन रेसिपीज़। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। इसको आप नान के साथ ज़रूर बनाइए और खाइए। तो आइए बनाते हैं हम कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है तज ली है, पहले इलायची ली है, हमें सेक लेना है इसे, कश्मीरी लाल मिर्च ली है और साबुत धनिया लिया है। अब जो है हम इसका एक खुरदुरा मसाला बनाएंगे, जो कि कढ़ाई पनीर में जाएगा। सिर्फ ये मसाला जाएगा कढ़ाई पनीर में, हम और कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे आप मध्यम आंच में भूनिए। अब वही कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल लिया हुआ है। इस तेल में जो है मैं पनीर को फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई करेंगे हम पनीर को। पनीर के मैंने बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं। हमको उसे हल्का सा ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन के कलर में, क्रीमिश कलर बोल सकते हैं आप। पनीर हमारा हो गया, हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मिक्सी में जो हमने मसाला भूना था उसको हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा दरदरा जैसा पीस लेंगे। अब यहाँ पे मिक्सी में हम टमाटर लेंगे, ऑनियंस लेंगे और हरी मिर्च लेंगे और इसकी हम एक ग्रेवी बना लेंगे। फाइन थिक ग्रेवी बन चुकी है ये। अब जो हमारा पनीर का तेल था उसी में मैं प्याज और कैप्सिकम को मोटे मोटे मैंने काटे हैं और उसको भूंज लेंगे। इसे हमें सिर्फ 30 सेकंड तक भूंजना है, नरम नहीं होने देना है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे, इतना सा ही भूंजना है हमें। अब तेल में हम जीरा डालेंगे, गार्लिक और जिंजर डालेंगे, बारीक कटा हुआ गार्लिक और जिंजर है ये। अब यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है हमारे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम वो ग्रेवी डालेंगे जो हमने पीसी थी, थिक ग्रेवी हमारी प्याज और टमाटर की। अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। ग्रेवी को हमें यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट हो गई है। अब हमने जो मसाला पीसा था वो डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। सब कुछ अच्छे से पका लेंगे, मिला लेंगे हम। नमक ऐड करेंगे, हमारे जो कैप्सिकम और ऑनियंस हमने भूने थे वो डालेंगे। अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे हम मसालों के साथ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से हम सब मिक्स कर लेंगे।
हमारी कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट होने पे है। अब यहाँ पे हम जो पनीर हमारे थे वो ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे ग्रेवी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन बटन भी दबाइए ताकि हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आते तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।